A spherical drop of liquid splits into 1000 identical spherical droplets. तो मान लीजिए कि एक बड़ा लिक्विड का ड्रॉप है, इसका रेडियस है कैपिटल R और ये टुकड़े हो जाता है और छोटे 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 ड्रॉप्स फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे कितने ड्रॉप फॉर्म हुए? 1000 ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं। मान लीजिए हर एक का रेडियस स्मॉल r है, ये 1000, हर एक का रेडियस स्मॉल r। इफ इवन इज द एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप, ओरिजिनल ड्रॉप की एनर्जी, एनर्जी क्या होंगी? सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr² यानी 4πR² एंड ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप, एंड E2 इज द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉपलेट्स। तो बाद में जो आने वाली सरफेस एनर्जी हो जाएंगी E2, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो हर एक का सरफेस टेंशन T और हर एक का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² और ऐसे कितने हैं? ऐसे 1000 हैं, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। उसने कहा इन दोनों एनर्जीज का रेशो E1/E2 इज इक्वल टू x/10 है, इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर सरफेस टेंशन दोनों जगह से कैंसिल, 4π दोनों जगह से कैंसिल, तो पता चला E1/E2 इज इक्वल टू कितना? कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल R स्क्वायर। अब हमको यहाँ E1/E2 का रिलेशन तो दिया है, कितना है? x/10, लेकिन हमको ये नहीं पता कि R स्क्वायर का स्मॉल R के साथ रिलेशन क्या है। सो लिखा जा सकता है R स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल R स्क्वायर। अब जब ये बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ होगा तो कन्वर्जन इस तरह होगा कि उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम 4/3πr³ शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हर एक का कितना है? 4/3πr³। और ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं? 1000। 4/3π 4/3π दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। सो r³ इज इक्वल टू स्मॉल r³ टाइम्स ऑफ 1000 को लिख लेंगे 10^3, यानी लिखा जा सकता है कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स ऑफ 10, कैपिटल R इज इक्वल टू r इंटू 10। अब ये डेटा यहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा? कैपिटल R की जगह पर आ जाएगा r इंटू 10 का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड में 1000 इंटू r स्क्वायर एज इट इज है। r² खत्म, 20 खत्म। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है x/10 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर के अंदर 10 बचा है। ये 10 20 को कैंसिल कर देगा, मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। सो चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन D शुड बी करेक्ट।